नरबजीत फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने कुछ दिनों पहले अपनी फिल्म अनाउंस की थी, जो कि विनायक दामोदर सावरकर की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होगी और फिल्म का नाम होगा स्वतंत्रता वीर सावरकर। इस फिल्म को लेकर उन्होंने ये बात अनाउंस की थी कि इसे डायरेक्ट करने वाले हैं एस डायरेक्टर महेश मांजरेकर, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो इस फिल्म के लिए एक बेहतरीन एक्टर को चाहते हैं जो इस तरह का डिफिकल्ट रोल पुल कर सके। और उनके जहन में जो नाम सामने आए हैं वो है राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना के। राजकुमार और आयुष्मान दोनों को लेकर ही वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उन्हें पता है कि ये दोनों ही हैं जो ये रोल काफ़ी अच्छे से पुल ऑफ कर सकेंगे और इनकी बेहतरीन एक्टिंग इस रोल के साथ जस्टिस कर सकेगी। लेकिन हम आपको बता दें, इन दोनों में से भी एक एक्टर ऐसा है जो इनकी फर्स्ट चॉइस है और वो है आयुष्मान खुराना। सभी जानते हैं कि राजकुमार राव के पास काफ़ी सारी फिल्में हैं, लेकिन अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो आयुष्मान खुराना राजकुमार राव से थोड़े से आगे हैं और इसी के चलते आयुष्मान खुराना इनकी फर्स्ट चॉइस है और इन्होंने अपना आइडिया आयुष्मान को प्रेजेंट भी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आयुष्मान को इस फिल्म का आइडिया कितना पसंद आता है और क्या वो दामोदर सावरकर का रोल प्ले करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोल होने वाला है।